खबर 9 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हमारी सभी न्यूज प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर। कोई फंड नहीं है, इसलिए ग्राम पंचायत द्वारा कचरा गाड़ी को एक वर्ष से एक ही जगह पर खड़ी कर रखी है। आगे चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि यदि जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा ग्राम पंचायत एवं सरपंच के द्वारा कचरा गाड़ी के द्वारा पंचायत क्षेत्र में सफाई अभियान की शुरुआत की जाए, नहीं तो ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में इनके खिलाफ उग्र आंदोलन किया जाएगा। पंचायत भगोरा में इतनी समस्याओं का अंबार है, उन समस्याओं को लेकर हमने SDM साहब को ज्ञापन दिया है कि भारत में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का सबसे बड़ा अभियान स्वच्छता अभियान है, उसके तहत ग्राम पंचायत में एक वर्ष पूर्व कचरा गाड़ी आकर खड़ी है। वो गाड़ी एक साल से एक ही जगह खड़ी होकर और सड़ रही है। उससे पंचायत ने अभी तक ग्राम में चल्लू नहीं करवाया, जिस कारण से गांव के मेन चौराहों पर इतनी गंदगी हो रही है कि वहाँ लोग निकलने वाले परेशान हो रहे हैं, उस कारण से बीमारियाँ हो रही है, वहाँ कीचड़ हो रहा है। पास में स्कूल है, यूको बैंक है, पंचायत भवन भी वहीं पे है, लेकिन वहाँ पे कभी कोई साफ सफाई नहीं की गई है। पिछले 15 से 20 सालों से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सरपंच बैठे हैं, लेकिन गाँव की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। विकास के नाम पर वहाँ जीरो हैं और कचरा हर आप जिस चौराहे पे जाओगे, जिस गली में जाओगे, जिस वार्ड में जाओगे, वहाँ इतना कचरा है कि लोग हर तरह से परेशान है। वहाँ बार बार पंचायत में शिकायत और सरपंच को बोलने के बाद भी वहाँ के सचिव, सरपंच, उप सरपंच या पंचगण या जनपद सदस्य किसी ने वहाँ संज्ञान नहीं लिया, सभी आंखें मूंद कर बैठे। अगर यहाँ से हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ, जल्द से SDM साहब ने अगर कोई संज्ञान नहीं लिया, तो हम इसी समस्या को लेके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे और हजारों ग्रामीणों के साथ तहसील का भी, जनपद का और पंचायत का घेराव किया जाए। इंदौर के मऊ से संजय वर्मा की रिपोर्ट। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।